अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लंदन वाले। तो जी, एक और मज़ेदार व्लॉग के साथ हम लोग आ गए। आज हमारे यहाँ पे लोकल कम्युनिटी का गेट टुगेदर है, ईद मिलन पार्टी हमने ऑर्गेनाइज की है सब फैमिलीज ने मिलके। और हमारे यहाँ पे जो लोकल काउंसलर हैं और एमपी वगैरह भी इनवाइटेड हैं। तो आज काफ़ी अच्छा दिन गुजरना है। और हर फैमिली, क्योंकि यहाँ पे हमारे बांग्लादेशी, इंडियन, पाकिस्तानी, कुछ इजिप्शियन और सीरियन, यानी मुख्तलिफ मुस्लिम कम्युनिटीज़ रहती हैं, तो उनका हमारा ये आज का प्रोग्राम है। और हर एक को ड्यूटी लगी है जी कि अपना अपना जो है ना ट्रेडिशनल फूड बना के लेके आना है। वहाँ पे स्टॉल वगैरह लगे होंगे और लोकल लोग आएंगे कम्युनिटीज़ के, देखेंगे जी हम ये मुसलमान कैसे रहते हैं। तो इस टाइप का एक हमने फंक्शन अरेंज किया है। तो हमारी जो है ड्यूटी लगी थी, हमने बिरयानी बना के लेके जानी है। तो बस सब रेडी है, अभी हमने बिरयानी शिरयानी रेडी हो गई है, अब उसमें डाल के डब्बों में तो लेके जाएंगे। तो वो काम फिनिश कर लें तो फिर जो है ना आपको दिखाते हैं। हाँ जी, तो ये है जी हमारी बिरयानी, ये देखें जी रेडी हो चुकी है। और जो है ये हमने इसके अंदर पैक कर लिया है, ये साथ ये सामान है। और ड्रिंक्स हम रास्ते में टेस्को से ले लेंगे। तो चलें, सब लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, मैंने सिर्फ ये रखना है और फिर हमने जाना है। वैसे 12 बजे का टाइम था और एज़ यूजुअल हमने 1 बजा दिया, तो सब 12 वहाँ पे वेट कर रहे हैं। ले जी, हम लोग पहुँच गए, ये है हमारा कम्युनिटी सेंटर। काशिफ भाई खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है जी, मामला शुरू हो गया। हम तो बहुत लेट हो गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, चलिए सारे अंदर जाएं। ईद मुबारक। हेलो हेलो, शोर नहीं करना अंदर। अच्छा, शोर नहीं करना। अच्छा चलो, मुझे जाने दो अंदर। This verse states that there is nothing and no one that is comparable to Allah. He is beyond comparison and likeness, and his attributes are matchless. Whole idea of this surah. The second participant is Zakaria. He gonna take us through one of the hadith of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is noted that our beloved Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dear respected mayor and councillors and our esteemed guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, this means peace and blessings upon you. Today I stand before you to speak about a man who profoundly impacted the course of history. ये देखें जी, ये सारा इस्तेमाल किया हुआ है हमारी कम्युनिटी का बच्चों को खेलने के लिए। और हमारे लोकल काउंसलर भी आगे हुए हैं और एमपी भी, वो जो वाइट लेडी थी खड़ी अंदर बैठी, तो हम थोड़ा लेट हो गए, बारिश भी हो गई। जी ये हमारा प्लेटर रेडी है और ये देखो जी आ गए हमारा खाना खाने से। शो करवाया है, चोरी करने हैं, शो करवाया कि मैं कुछ नहीं खाता, मैं कुछ नहीं खाता, मैं नहीं कोई नहीं। वो इधर आया, माशाल्लाह रगड़ गया।
ये विंग को आना लगाई, ये तेरी मिसेज ने बनाया, मैंने खाने किधर रमीन ने फेस पेंट नहीं किया, हैंड पेंट किया, ये क्या बनाया, ये तो ऐसे लग रहा है स्वॉर्ड बनी हुई है, डायमंड स्वॉर्ड, डायमंड स्वॉर्ड। आप किधर है आपा, व्हाट आर यू डूइंग, ये मेहंदी लगाई है माशाल्लाह, वो दूसरे हाथ पे क्या बना हुआ, माइनक्राफ्ट स्वॉर्ड। जी बड़ा मज़ा आया, हम लोगों ने बड़ा इंजॉय किया, अब छुट्टी का टाइम हो गया, सब टाइडी अप हो रहा है, और ये हमारी प्रिंसेस है, हेलो आयरा, आयरा लुक, ये कौन है, ये कौन है आयरा, आयरा को कैमरे में नहीं आना पसंद, आयरा को नींद आ रही, नहीं लगता। तो जी सब अब टाइडी अप कर रहे हैं, मैं भी कर रहा था, थक गया हूँ, अब ड्रिंक पीने को दिल है लेकिन वो गर्म हो गए हैं ड्रिंक, तो इसलिए पी नहीं जा रही। हाँ जी तो हम लोग फारिग हो गए, बच्चों ने फुल इंजॉय किया है ना रमीन, रमीन ने इतना इंजॉय किया कि रमीन टायर्ड हो गई है, नहीं 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 रमीन की टायर्डनेस सिर्फ तब जाएगी जब रमीन को चोट लगे उसको, रमीन को जब आईपैड मिलेगा फिर रमीन ठीक हो जाएगी, है ना रमीन, है ना, आईपैड मिलेगा तो ठीक हो जाओगी। आए अल्हम्दुलिल्लाह। आपा आपको कुछ कहना, उसको चोट क्यों लगी थी, नाल उसको पुश कर लेता, अच्छा वो तो प्ले में फिर हो ही जाता है ना। ले जी ये था हमारा छोटा सा गेट टुगेदर, हम लोग थोड़े लेट हो गए इसलिए, और जो हमारे पहुंचने से पहले थोड़ा बहुत जो मेयर के साथ इंटरेक्शन था वो सब हम मिस कर गए। तो बस थोड़ी सी ये हो गई कि आज पाकिस्तान में 10 मुहर्रम है, यहाँ पे तो 11वां मुहर्रम है, लेकिन काफ़ी लोग जो हैं वो इस वजह से आ नहीं सके, कम्युनिटी हमारी काफ़ी बड़ी है यहाँ पे, लेकिन काफ़ी ऐसे चेहरे जो मैं जानता हूँ मोहल्ले के वो नहीं थे नज़र आ रहे, कुछ की जॉब्स की, यूके में ये भी प्रॉब्लम है जॉब्स की, रूटीन वगैरह, कई ऐसे दोस्त जो जॉब से सीधा आ रहे थे। तो खैर बड़ा मज़ा किया, अब बेगम मेरी चाय बनाने लगी है मेरे लिए, तो चले मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना सब ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, क्या बात है।